हे दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल विथ DM में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। YouTube वीडियो कैसे डालना, आपको SEO कैसे करना, वो पूरी डिटेल देने वाला हूँ। दोस्तों SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यदि आप अपने वीडियो का SEO नहीं करते हैं तो लाखों वीडियो में आपका वीडियो भी घूम जाएगा और वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा, यानी उस पर व्यू नहीं आएंगे। इसीलिए आपको उन लाखों वीडियो में से अपने वीडियो को यूनिक बनाना है, ऑप्टिमाइज बनाना है, ऐसा वीडियो बनाना है कि वो सर्च इंजन में टॉप में आए। कोई भी सर्च करे तो आपका वीडियो सर्च में टॉप में आए और उसके व्यू ज़्यादा आए। यदि आपका SEO वीडियो का अच्छा नहीं होगा तो आपका वीडियो कहीं पे भी नहीं आएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा और उस पर व्यू भी नहीं आएंगे। तो आप कैसा वीडियो बनाओगे, आप उसमें टाइटल टैग कैसे लिखोगे, वो जिससे कि आपका वीडियो सर्च में आए। दोस्तों यहाँ पे SEO की बात करने वाले हम। यदि वीडियो का SEO नहीं किया तो वीडियो सर्च में नहीं आएगा, ये जेन्युइन बात है। दोस्तों इंटरनेट पे हर वो चीज़, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे ब्लॉग पोस्ट हो, कोई सा भी कंटेंट हो इंटरनेट पे, उसका SEO नहीं किया है तो वो इंटरनेट के माया जाल में घूम जाएगा, यानी वो कभी भी किसी को नहीं मिलेगा। दोस्तों तो इसके लिए आपको करना होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम SEO कहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका वीडियो टॉप में आएगा। तो हम आज यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम केवल बात करेंगे यूट्यूब वीडियो के SEO के बारे में, जो कि मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट है यूट्यूब वीडियो के SEO के बारे में, उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल सबसे पहले दिखाई देता है। यदि थंबनेल अच्छा होगा तो वीडियो व्यू ज़्यादा आएंगे। दोस्तों थंबनेल जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यदि आपके वीडियो का थंबनेल अच्छा होगा तो हर कोई आके उसी वीडियो पे क्लिक करेंगे और आपके व्यू अच्छे आएंगे। दोस्तों थंबनेल दिखाई देता है, सर्च में आपका वीडियो आ भी गया। बहुत से वीडियो सर्च में आते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे आप सर्च करते हो तो वहाँ पे बहुत से वीडियो में से जिसका थंबनेल यूनिक होगा, जिस वीडियो का थंबनेल यूनिक होगा उसी पे लोग क्लिक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर क्या है, क्या कंटेंट है, उसकी क्या क्वालिटी, वो तो तभी दिखेगा ना जब उस पर क्लिक करेगा कोई भी, और क्लिक जब भी करेगा तब उसका थंबनेल अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको थंबनेल बहुत अच्छा बनाना है। इसके लिए मैं एक अपने तरफ से टिप देना चाहूँगा कि आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, YouTube पे सर्च करें और वहाँ पे आपको ऊपर की जो 5 से 10 वीडियो आएगी उनके थंबनेल पे एनालिसिस करें, उनका थंबनेल आप देखें कि उन्होंने थंबनेल कैसा बनाया है, और आप कोशिश ये करें कि आपकी ऊपर की जो सर्च में जो 5 वीडियो आई उनसे अच्छा थंबनेल बनाए। जी हाँ दोस्तों, जो थंबनेल दिखाई दे रहे कोशिश ये करना है कि उनसे आपको अच्छा थंबनेल बनाना है, तभी तो उन वीडियो के साथ में आपकी वीडियो आएगी तो उस पर क्लिक होगा। तो आप समझ गए होंगे थंबनेल की कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, थंबनेल कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे YouTube वीडियो के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थंबनेल के बाद आगे आता है टाइटल। दोस्तों टाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है वीडियो को सर्च में लाने के लिए। यदि सर्च कोई करता है तो आपका टाइटल ही सर्च आता है। ध्यान दीजिए, जब यूट्यूब पर कोई भी कुछ भी सर्च करता है तो आपके टाइटल से मैच होके ही YouTube का एल्गोरिदम आपके वीडियो को सर्च में दिखाता है। यदि आपका टाइटल अच्छा होगा, जैसे कि लोग सर्च करते, ध्यान दीजिए जो लोग सर्च करते वही आपका टाइटल होगा, तो आपका वीडियो टॉप में ज़रूर दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे बात वही आती है, जैसे सर्च किया जाता है उसी टाइप से आपको टाइटल रखना है, तभी आपका वीडियो सर्च में दिखाई देगा। उसके बाद तो मैंने थंबनेल वाला फर्स्ट पॉइंट बता ही दिया है, लेकिन टाइटल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि YouTube पे जब कोई व्यूवर्स आता है वो सर्च करता है तो टाइटल ही सर्च करता है, वो टाइटल मैच करके ही आपका वीडियो शो होता है। तो टाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, टाइटल का भी रोल जैसे कि थंबनेल का मैंने बताया उसी तरह से टाइटल का भी रोल है। हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे टाइटल के बाद होता है दोस्तों टैग्स। टैग्स भी महत्वपूर्ण होता है वीडियो सर्च में लाने के लिए। अब ये टैग्स क्या होता है, हमने टाइटल देखा जो वीडियो का नाम होता है, और थंबनेल होता है जो वीडियो में ऊपर दिखाई देता सबसे पहली स्क्रीन। अब टैग होता है दोस्तों उस वीडियो के डिटेल्स होते हैं, जहाँ कि हम टाइटल में एक ही लाइन लिखते हैं कि ये इस टॉपिक पे वीडियो है, लेकिन वो वीडियो है वो कौन कौन से टॉपिक से जुड़े हुए, उस वीडियो में क्या क्या जानकारी आप दे रहे हो, तो वहाँ पे पूरी डिटेल देनी होती है, वो होते हैं टैग्स। दोस्तों 500 वर्ड में आप कुछ भी लिख सकते हो,
टेक्स में आपकी वीडियो से रिलेटेड। तो दोस्तों एक वीडियो है, मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियो कैसे डाले, समझ लीजिए यूट्यूब पर वीडियो कैसे डाले ये टाइटल है। तो उसको हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से सर्च करते हैं, YouTube पर वीडियो कैसे डालें, वीडियो अपलोड कैसे करें, YouTube पर वीडियो अपलोड कैसे करें, ऐसे बहुत सारे तरीके से सर्च हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो टाइटल हमने लिखा वही सर्च करें। YouTube पर वीडियो डालने कैसे डालें इसके भी आपको 10 से 20 या 500 टाइटल बन सकते हैं। तो इसके लिए हम उपयोग करते हैं टैग्स। दोस्तों टैग्स में हमारे जो वीडियो है उसमें जो जो जानकारी दी वो पूरे टैग्स लिख दीजिए, और आपने जो जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उसके कितने तरीके से लोग सर्च कर सकते हैं, आपको ध्यान देना है कितने तरीकों से इस वीडियो को सर्च किया जा सकता है, वो आपको टैग्स में डालना है। दोस्तों यदि आपका टाइटल मैच नहीं करता और आपका टैग मैच कर गया तब भी आपकी वीडियो सर्च में दिखाई देगी, इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है कि टैग्स भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो मैं तो डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आप टॉप यूट्यूबर बन ही जाओगे। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पे क्या बताने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास ये जो कुछ पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने सोचा ये एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे दिया जाए साथ साथ में, या आप हमारे वीडियो को देख ही रहे तो आपको कुछ तो बेनिफिट मिलना ही चाहिए। रिक्वेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्ट है आपको, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और हमें पता चले कि हमारे वीडियो कैसे हैं कमेंट्स करके बता दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो YouTube वीडियो SEO है यहाँ पे कुछ पॉइंट है, ये 5 या 6 पॉइंट है, मैं बता देता हूँ आपको। यदि आप इन तीन बिंदु को ध्यान में रख कर वीडियो बनाते हो तो आपके वीडियो पर अच्छे व्यू आने लगेंगे। दोस्तों जो मैंने पहले बताए, जैसे थंबनेल बताया, टाइटल बताया और टैग्स बताया, ये तीन बिंदु पे आप अच्छे से काम करते हो तो आपके व्यू अच्छे आने लगेंगे, आपके वीडियो रैंक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था ये वही है कि ऊपर के जो तीन पॉइंट उनको कभी ना भूले, उन पे अच्छा रिसर्च करके आपके वीडियो बनाए। अगला है हमारा ध्यान रहे वीडियो ऐसे टॉपिक पर बनाए जिस पर पहले से वीडियो नहीं हो या बहुत कम हो। दोस्तों आप ऐसे वीडियो बना रहे जो लाखों वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे और आप उसी तरह के वीडियो बना के डाल रहे हो और उन्हीं लाखों वीडियो में आपका वीडियो पे घूम जाएगा दोस्तों, वो उस पर व्यू नहीं आएंगे, नहीं बहुत कम आएगा। तो आप कोशिश करें कि आप नई जानकारी दें, ऐसी जानकारी दो जो पहले से नहीं है, लेटेस्ट जानकारी दे ताकि दोस्तों वो भी आपके व्यू अच्छे ला सके। उसके बाद में ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाए, ये उसी का रिलेटेड है। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है दोस्तों, जो ट्रेंड में चल रहा होता है उस पर बनाओगे तो आपके व्यू अच्छे आएंगे, क्योंकि ट्रेंड में जो चलता है उसे बहुत सारे लोग देखते हैं दोस्तों। और जो लेटेस्ट जानकारियाँ होती, जो ट्रेंडिंग होती, उसी पे बनाए ताकि उन पे पहले से वीडियो बने हुए नहीं रहते, इसलिए उन पे व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का एक पैटर्न बना लीजिए, एक अलग से टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख लीजिए आपका डिस्क्रिप्शन, उसे हर वीडियो में डालना है, लेकिन आपको उसमें आपके वीडियो के बारे में कुछ डिटेल देना है, वो चेंज कर देना। बाकी एक पैटर्न बना लीजिए, उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जो चेंज करना उसी में चेंज करके आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आजकल तो वीडियो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें टैग भी लगते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टैग भी फॉलो करना है, आपके टाइटल से आपके वीडियो से रिलेटेड टैग लगा दीजिए डिस्क्रिप्शन में ताकि वो भी रैंक करें। आगे देखते हैं प्लेलिस्ट चैनल से जुड़ी बना लें और वीडियो संबंधित प्लेलिस्ट में जोड़ें। दोस्तों आपको प्लेलिस्ट तैयार कर लेना आपके चैनल से रिलेटेड, आपके 5, 6, 10 जो भी प्लेलिस्ट होती है, जब भी आप वीडियो बनाओ तो उन प्लेलिस्ट में ऐड करते जाओ ताकि वो प्लेलिस्ट जब भी प्ले करे तो वो एक रिलेटेड पूरी एक प्लेलिस्ट बन जाए और हर व्यूवर्स जो भी देखना चाहे वो पूरी लिस्ट भी वॉच कर सकता। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में वीडियो शेयर करें। दोस्तों आखिरी टॉपिक हमारा वीडियो शेयर करें। दोस्तों इतनी मेहनत से आपने वीडियो बनाया है तो उसे आप आपके सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक और जो भी है आप उन पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहाँ से भी व्यूज़ आएंगे आपके।
और वहाँ से आपका शेयरेबल वीडियो होगा तो वो सोशल मीडिया पे और भी आगे शेयर किया जाएगा दोस्तों। और एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ आपको, वीडियो ऐसा बनाना है जो शेयरेबल हो तो वो बहुत ही ज़्यादा उस पर व्यू आएंगे दोस्तों। शेयरेबल वीडियो क्या होता है, जैसे कि आपने एक वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, व्हाट्सएप में शेयर कर दिया, उसे जो भी व्यक्ति देखेगा उसके बाद उसे लगेगा कि हाँ ये तो बहुत काम का वीडियो है और उसे आगे भेजना चाहिए। आपने यदि ऐसा बनाया तो वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ लाएगा और सब्सक्राइबर बहुत अच्छे गेन करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो YouTube वीडियो का SEO हमारा है वो पूरा हो गया है। हमने जो डिटेल देनी थी, जो मेन टॉपिक, वो हमने बना दिए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारे बहुत महत्वपूर्ण वीडियो की लिंक्स है, वो उन्हें वॉच कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। यहाँ पे हम इतना ही कह के आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं, आपने पूरा वीडियो देखा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद, थैंक यू।